अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि काफ़ी पर्यावरण में ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे बचपन के समय में जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों ने देखा होगा काफ़ी अच्छा माहौल और अच्छा वातावरण दिखाई पड़ता होगा, जिसमें हजारों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पंछियों, अच्छी अच्छी खूबसूरत प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती थी। वो समय था कि हम लोग घूमने के लिए, पढ़ाई की जगह पे हम लोग घूमने जाते थे तो इतना अच्छा लगता था, यही लगता क्या कि अपने आप में एक सुंदर बेहतरीन स्वर्ग जैसे महसूस होता था। पर्यावरण मानव के नेचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होता है, क्योंकि उसी से हमें सारी चीज़ें, खाने पीने की वस्तुएँ मिलती थी और मिल रही हैं। पर्यावरण अगर में कुछ भी परिवर्तन होता तो मानव जीवन पर सीधे प्रभावित करेगा। अब मैं आपको इसके प्रभाव दिखाता हूँ। मान लीजिए कि पहले, आज के 100 साल पहले, मानसून बहुत ही बेहतर था, इतना समय पर बारिश और वर्षा और सूखा, गर्मी सब कुछ आता था। लेकिन आज मौसम में परिवर्तन होने के कारण क्या हुए, हजारों जीव जंतुओं, पक्षियों को उनकी वर्तमान जो स्थिति है बहुत दयनीय हो चुकी है। उनको प्रजनन और उनके खाने पीने की वस्तुएं, यहाँ तक आवास विघटन, जहाँ मानव अपने विस्तार को बढ़ाता जा रहा है, कई प्रकार की समस्याएं हो गई। आज जानवर अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, क्योंकि सोचो यदि कहीं किसी जगह पे रहते होंगे, जैसे ये बियर भालू है, जंगली भालू, अब इसके लिए वातावरण मिलना, माहौल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़रूरी है। अगर ये वातावरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसके खाने पीने की वस्तुएं रहेंगी तो वहाँ पर रहेंगे। आज यदि वो पेड़ कट गए या काट लिए गए तो वहाँ पर उनके लिए रहने का कोई आस्था या आसरा नहीं बचेगा। इसीलिए जितने जंगल वनस्पतियों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, जीवन का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। हमारी जो विविधताएँ थी, हमारे जीवन की उपयोगिताएँ थी, वो सभी समाप्त होती जा रही हैं। जीव जंतु हमारे इस अतिक्रमण के कारण जा रहे हैं। अब आपको एक चीज़ समझने थोड़ा होगा कि इतने जीवों के इतने प्रकार क्यों होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे भालू है, उस कटबंधी क्षेत्र में जहाँ गर्म माहौल होता है, हल्का तापमान अच्छा रहता है, सूर्य की किरणें हमेशा आती रहती हैं, वहाँ पर अत्यधिक बारिश भी होती है और अच्छा माहौल होता है, तो इसलिए उनके खाने की, रहने की और उनके जीवन यापन, प्रजनन का माहौल एकदम अच्छे तरीके से होता है, उनको सूटेबल होता है। किंतु यही अगर जीवों के बारे में हम चलें, थोड़ा ऊपर बढ़ें, उस कटबंधी जहाँ पर सूर्य की बराबर किरणें पड़ती हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ें जहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ा कम पड़ती, जैसे दक्षिणी, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में, चलो 60 से 70, वहाँ पर ये सील जैसे जानवर पाए जाते हैं। इनकी खालें इतनी मोटी होती हैं कि इनको ठंड से बचने के लिए नेचर ने इनकी खालें इतनी मोटी बना दी हैं। अब ये जानवर, इनका अस्तित्व, आज क्लाइमेट चेंज इतनी ज़्यादा, तापमान, इंडस्ट्री, औद्योगिकरण के कारण इतना ज़्यादा मानव ने अतिक्रमण कर दिया, वनों को काट काट के धुओं के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैला दिया कि वायुमंडल में तापमान जो आता था और 2 घंटे में लौट जाता था, अब वह वायुमंडल को क्रॉस करने में 8-8 घंटे, 5-5 घंटे लगा रहा, जिसके कारण तापमान पृथ्वी का निरंतर बढ़ता जा रहा है। और गर्मी अत्यधिक बढ़ने के कारण पानी जैसी खाने पीने की वस्तुएं, जब पानी की आवश्यकताएं नहीं होंगी, मौसम परिवर्तन होगा, तो पक्षियों का जाहिर सी बात है कि वनस्पति विकसित नहीं होगी और उनके खाने के भोजन नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी अपना पलायन करेंगे या मर जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा। आज पानी को लोग इतना बर्बाद करते हैं, सोचो यदि पानी समाप्त हो जाए किसी भी जगह, कोई शहर हो जहाँ पर पानी समाप्त हो जाए, वहाँ पर फिर क्या होगा, सब कुछ वहाँ वीरान होगा, सिर्फ पानी की वजह से कुछ भी नहीं होगा। तो मानव को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पानी बचत और पर्यावरण के अनुकूल उसके खाने पीने आदतों में परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है।